हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिजाइन। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रनवे लेंथ करेक्शन के बारे में। ठीक है, तो अब तक उन्होंने जो डिस्कस किया था बेसिक रनवे लेंथ का, कि बेसिक रनवे लेंथ हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कि स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर आपका जो रनवे है उसका लेंथ कितना होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या है, कि मतलब कि कोई आपका विंड ब्लो नहीं होना चाहिए रनवे के अलॉन्ग, क्योंकि रनवे में विंड ब्लो होगा तो आपके टेक ऑफ और लैंडिंग ऑपरेशन को वो अफेक्ट कर सकता है। आपका जो एयरक्राफ्ट है वो फुल कैपेसिटी में होना चाहिए, एयरपोर्ट आपका सी लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि सी लेवल से ऊपर आप जाएंगे तो एयर की डेंसिटी कम होगी और टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो टेम्परेचर चेंज होने से और आपके एयर प्रेशर चेंज होने की वजह से जो है लिफ्ट करने के लिए जितना आपको लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी रनिंग करने के लिए वो आपकी चेंज हो सकती है। तो इसके लिए जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होनी चाहिए वो हम लोग निकालते हैं बेसिक रनवे लेंथ में। ठीक है, तो फिर कोई भी पाथ में विंड ब्लो नहीं होना चाहिए, आपका जो रनवे है पूरी तरह से लेवल होना चाहिए, कोई भी ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, पूरा जीरो इफेक्टिव ग्रेडियंट होना चाहिए। इफेक्टिव ग्रेडियंट क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होना चाहिए पूरे पाथ के अलावा, और जो है एयरपोर्ट का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके एग्जैक्ट नहीं, कभी नहीं होंगी, किसी भी साइट पे नहीं होंगी। तो वो साइट पे नहीं होगी तो क्या करना होगा, हम लोग का जो एयरक्राफ्ट के लिए जो टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए जो भी आपका रनवे का लेंथ का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगा। तो वो ज़्यादा होगा तो उसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा आपको बेसिक रनवे लेंथ में। वो कितना करना पड़ेगा वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो रनवे लेंथ का जो करेक्शन करना है एज पर साइट एक्चुअल कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो मेनली तीन तरह के हम लोग करेक्शन करते हैं। तो फर्स्ट है एलिवेशन करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन एंड ग्रेडियंट करेक्शन। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आ चुके हैं गेट में। ठीक है, तो नेक्स्ट फर्स्ट है आपका करेक्शन फॉर एलिवेशन। तो करेक्शन फॉर एलिवेशन में है जो कि ICAO के रिकमेंडेशन है कि रनवे लेंथ को हम लोग को 7% इंक्रीज करना है एज पर 300 मीटर राइज इन एलिवेशन ऑफ द एयरपोर्ट अबव द मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल से आपका अगर जो एयरपोर्ट है उसका लेवल 300 मीटर अबव है तो हम लोग रनवे का लेंथ 7% इंक्रीज करते हैं। तो हर 300 मीटर के लिए 7% इंक्रीमेंट करना ही होगा हम लोग को। तो द करेक्शन इज रिक्वायर्ड बिकॉज द एयर डेंसिटी रिड्यूसेस एज द एलिवेशन इंक्रीज विच इज टर्न रिड्यूसेस द लिफ्ट ऑफ द विंग, दस द एयरक्राफ्ट विल रिक्वायर मोर ग्राउंड स्पीड टू राइज टू द एयर एंड फॉर अचीविंग मोर स्पीड द लॉन्गर लेंथ ऑफ रनवे विल बी रिक्वायर्ड। तो ये है कि अगर हम लोग हाइट पे जाएंगे तो जितना ऊपर जाएंगे उतना ही एयर डेंसिटी कम होगी, एयर डेंसिटी कम होगी तो हम लोग को लिफ्ट करने के लिए उतना ही हमको ज़्यादा लेंथ तक हम लोग को रन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग को रनवे लेंथ की जो है हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो करेक्टेड लेंथ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा रनवे लेंथ प्लस रनवे लेंथ का 7% हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा हर 300 मीटर के लिए। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि करेक्शन करने के बाद लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि 300 मीटर के लिए 7% करना है तो एयरपोर्ट का एलिवेशन जो है उसके अकॉर्डिंग कितना परसेंट हमको करना पड़ेगा उतना बाई 100 करेंगे तो रनवे लेंथ के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उतना परसेंटेज निकल जाएगा। तो वो हम लोग ऐड कर देंगे रनवे लेंथ में तो आपका करेक्टेड रनवे लेंथ उससे आ जाएगा। नेक्स्ट है करेक्शन फॉर टेम्परेचर। तो इसमें हम लोग ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपका रनवे का टेम्परेचर चेंज होगा तो वो आपका मीन सी लेवल से हाइट पे जाने की वजह से भी चेंज होगा, हो सकता है तो चेंज होगा तो उसकी वजह से जो है आपका एयर का डेंसिटी चेंज होगा, एयर डेंसिटी चेंज होने से लिफ्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मीन सी लेवल का करेक्शन तो हम पहले ही कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो है हम लोग का मीन सी लेवल मान के चलते हैं कि हमारा टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके ऊपर जितना हम लोग ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर रिड्यूस होगा। तो उस हाइट पर जो आपका एलिवेशन है आपके एयरपोर्ट का, उस हाइट पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए और कितना एक्चुअल में है उसका हम लोग को डिफरेंस चाहिए होगा उसके लिए। तो हम लोग कभी कर निकालते हैं कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है एयरपोर्ट का उसमें और एयरपोर्ट जो है रेफरेंस टेम्परेचर क्या है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है उसमें जो डिफरेंस आता है, तो उस डिफरेंस के 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 1% हम लोग रनवे लेंथ को इंक्रीमेंट करते हैं, वही फर्दर इंक्रीज करते हैं। फर्दर मतलब कि आपने मीन सी लेवल में जो
एलिवेशन करेक्शन जो कर दिया है रनवे लेंथ में, मतलब 1000 मीटर का आपका एयरपोर्ट था, 1000 मीटर का आपका रनवे लेंथ था, तो आपने 1200 मीटर कर दिया है, तो 1200 मीटर में आपको फर्दर आपको इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, 1000 मीटर में नहीं करनी है, ठीक है। तो आपका एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं हम पहले। तो एयरपोर्ट का रेफरेंस टेम्परेचर क्या है, एक्चुअल साइट कंडीशन क्या है वो निकालते हैं हम लोग, कि हमारा जो है वहाँ का मंथली मीन कितना है, मतलब डेली टेम्परेचर डेली हम लोग निकालते हैं, और हॉटेस्ट मंथ का सबसे ज़्यादा गर्म जो जिस महीने में रहता है, गर्म में रहती है, उसका जो है एवरेज डेली टेम्परेचर का हम लोग मीन निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं T1, ठीक है। और जो है सेम मंथ का हम लोग मैक्सिमम डेली टेम्परेचर जो आ रहा है उसका मीन लेते हैं, उसको बोलते हैं T2। तो मतलब एवरेज हॉटेस्ट मंथ का एवरेज टेम्परेचर और हॉटेस्ट मंथ का मैक्सिमम का एवरेज जो निकालते हैं हम लोग, उससे हम लोग निकालते हैं एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, जो कि फॉर्मूला आपको दिया हुआ है T1 + T2 - T1/3। तो इससे हम लोग का एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर निकल गया। पर लेकिन एक्सटर्नल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एक्सटर्नल टेम्परेचर हमारा मीन लेवल पर 15 डिग्री सेल्सियस है, और हम लोग को ये मालूम है कि हम लोग 1000 मीटर ऊपर जाते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रिड्यूस होता है लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर उस एलिवेशन पे क्या होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं, 15 - elevation/100 × 6.5। तो ये हमारा निकल गया एक्सटर्नल टेम्परेचर, और ऊपर से यहाँ पर निकल गया एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। उसके जो डिफरेंस आएगा, जितना डिफरेंस आएगा उतना डिग्री सेल्सियस पर हम लोग उतना ही परसेंट इंक्रीज करेंगे रनवे लेंथ में, ठीक है। तो ये करने के बाद हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट तो नहीं कर दिया, मतलब पहले से ऑलरेडी हम लोगों ने जो है 300 मीटर पर 7-7% इंक्रीमेंट किया ही है, और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज के कारण हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो इसके केस में हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीमेंट तो नहीं कर दे रहे हैं। तो हम लोग चेक करते हैं कि टोटल बेसिक रनवे लेंथ में हम लोगों ने कितना इंक्रीमेंट किया है टेम्परेचर करेक्शन और एलिवेशन करेक्शन से। तो अगर ये 35% से ज़्यादा हम लोग रनवे लेंथ में करेक्शन कर लेते हैं, तो उस केस में हम लोग जो करते हैं कि वो उसके लिए स्पेसिफिक स्टडी करते हैं, कि हम लोग का मान के चलिए कि आपका 1000 मीटर आपका रनवे लेंथ का रिक्वायरमेंट था, जिसमें हम आपने करेक्शन किया है, 1000 मीटर में आपका जो है रनवे लेंथ हो जा गया गया है 1.5 किलोमीटर हो गया है। मतलब अगर आपका 1.35 किलोमीटर होता, मतलब कि 35% आपका सिर्फ इंक्रीमेंट होता, तो हम लोग आगे फर्दर इंक्रीमेंट कर सकते थे, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो चुका है पहले ही, तो इस केस में आपको स्पेशल स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको फर्दर आपको उस एयरक्राफ्ट को लिफ्ट करने के लिए आपको अलग से विंड टनल में मॉडल में मॉडलिंग करनी पड़ेगी, चीज़ समझना पड़ेगा कि कितना रिक्वायरमेंट है उसको टेक ऑफ करने के लिए। नहीं तो अगर कम है तो आपका चेक ओके है, आपका जो इंक्रीमेंट अगर 35% से कम है तो ओके, हम लोग फर्दर मतलब जो आपका करेक्शन है उसमें आगे मूव कर सकते हैं, जो कि है आपका ग्रेडियंट। ये आपका टेम्परेचर करेक्शन नहीं है, ये यहाँ पर होना चाहिए करेक्शन फॉर ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट करेक्शन है। तो ग्रेडियंट करेक्शन क्या होता है कि अगर आपका जो रनवे का जो ग्रेडियंट है या लेवल है वो एक्चुअली वो लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास होता है रनवे का लेंथ, तो इस कंडीशन में हम लोग का एक लेवल में ग्राउंड मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ ना कुछ आपको ग्रेडियंट हो ही जाता है, कुछ ना कुछ स्लोप मिल ही जाता है। तो इस कंडीशन में अगर आपको डिजायर्ड ग्राउंड नहीं मिल रहा है, ग्राउंड स्लोप मतलब लेवल ग्राउंड नहीं मिल रहा है आपको, फिर भी आपको कुछ ना कुछ स्लोप देना पड़ रहा है, तो उसको हम लोग का ग्रेडियंट निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो ग्रेडियंट निकालते हैं, तो ग्रेडियंट उन लोग निकालते हैं इफेक्टिव ग्रेडियंट के टर्म में। तो इफेक्टिव ग्रेडियंट के टर्म में कैसे कैसे निकालते हैं हम लोग, मतलब हाईएस्ट पॉइंट का लेवल निकालते हैं हम लोग और लोवेस्ट पॉइंट का लेवल निकालते हैं, और उसका जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ रनवे करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव ग्रेडियंट। तो आपका जो इफेक्टिव ग्रेडियंट जितना भी हो, तो अगर जितना इफेक्टिव ग्रेडियंट होता है अगर 1% है इफेक्टिव ग्रेडियंट, तो हम लोग रनवे लेंथ हम लोग 20% इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मतलब कि आपका कि अगर लेवल आपका मान के चलिए किसी लेवल पर आपका 120 मीटर है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे, और लोवेस्ट पॉइंट पे 195 है,
तो आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 मीटर का, 5 मीटर है आपका रन, बेसिक रन लेंथ 1000 है, तो ये आपका हो जाता है। अगर आपका इसमें अगर निकालते हैं हम परसेंटेज में तो कितना आ जाएगा, परसेंटेज में आपका ये आ जाएगा 0.5%। तो 0.5% के लिए आपको 10% इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, करेक्शन मतलब ग्रेडियंट में करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक तो मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एयरपोर्ट का एलिवेशन 150 मीटर है, आपका जो एवरेज डेली टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम डेली टेम्परेचर 47 है, बेसिक रन लेंथ 800 मीटर है, हाईएस्ट पॉइंट का लेंथ दिया हुआ है रिड्यूस लेवल और लोवेस्ट पॉइंट का रिड्यूस लेवल दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एलिवेशन करेक्शन। एलिवेशन करेक्शन करने के लिए मतलब कि 300 मीटर में 7 मीटर का 7% इंक्रीमेंट करते थे, तो 150 मीटर है तो उसको 3.5% इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कितना आ रहा है 800 मीटर का, तो ये आ रहा है 28 मीटर, तो 800 + 28 मीटर को ऐड करेंगे तो हम लोग का निकल गया एलिवेशन करेक्शन। अब टेम्परेचर करेक्शन करना है तो हम लोग पहले एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर और एयरपोर्ट एक्सटेंड टेम्परेचर का हम लोग का डिफरेंस चाहिए। तो पहले एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर निकाल लेते हैं जो कि 40 डिग्री सेल्सियस 47 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर T1 T2 का, इससे हम लोग निकालेंगे जो कि आ रहा है 42.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 15 डिग्री सेल्सियस जो है ये होना चाहिए, पर हम लोग हाइट पर जा रहे हैं तो हमारा जो एक्सटेंड टेम्परेचर है वो रिड्यूस होकर हो जा रहा है 14.025 डिग्री सेल्सियस। आपको ये डिक्रीज करना ही पड़ेगा आपके लेवल के राइज होने पर, जो कि ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे 6.5 × 150/1000, ठीक है। तो इससे हम लोग का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 28 डिग्री सेल्सियस का। तो 28 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है तो हम लोग इसमें इंक्रीमेंट करेंगे उतना ही 28%। तो 28% हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 235 मीटर, और दोनों 235 को हम लोग 828 से ऐड करेंगे तो आ जा रहा है 1063। तो यहाँ पे आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि आपको 35% है या नहीं, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा 35% से कम है तो फर्दर हम लोग ग्रेडियंट का करेक्शन करेंगे। ग्रेडियंट करेक्शन करने के लिए सबसे पहले इफेक्टिव ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ से जो रिड्यूस लेवल का जो है वो डिफरेंस हायर लोअर माइनस करेंगे, जो एक्चुअल बेसिक रनवे लेंथ दिया हुआ है उसके हम डिवाइड करके निकाल लेंगे 0.5% आ रहा है। तो इसी कारण हम लोग को 10% का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। 10% इंक्रीमेंट क्या होगा तो वो हम लोग 1063 में हम लोग निकालेंगे और फिर उसके बाद ऐड करेंगे तो जो कि आ रहा है 1180 मीटर। तो ये आपका 1180 मीटर हो रहा है, तो ये आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ रनवे हो जाएगा। चेक यहाँ पे आप कर सकते हैं नीचे यहाँ पे, ठीक है, कि 35% है या नहीं, ओके है तो आगे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि आपको इस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं कि आपका इफेक्टिव ग्रेडियंट दिया ना हो। तो अगर आपके इस केस में अगर दिया है, इस तरह दिया जाए जो टोटल लेंथ अगर 1600 मीटर है जिसमें से 0 से 200 मीटर प्लस ग्रेडियंट 1 है, 200 से 600 माइनस 1 ग्रेडियंट है, 600 से 1200 मीटर तक 0.8 मीटर है, 1200 से 1600 0.2% का ग्रेडियंट है। तो इस केस में आपको पता तो है नहीं कि आपका हाईएस्ट पॉइंट का रिड्यूस लेवल कितना है, लोएस्ट पॉइंट का रिड्यूस लेवल कितना है। इस केस में हम लोग मान लेंगे कि 0 का 100% एलिवेशन है, तो 200 मीटर पर कितना एलिवेशन होगा, मतलब 1% के रेट से हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं हाइट, तो 200 का 1% कितना हो जाएगा, वो हम लोग 100 में ऐड कर देंगे जो कि होता है 2 मीटर। तो 100 + 2 मीटर 102 मीटर, फिर -1 है तो -1 को हम माइनस करेंगे, तो इस तरह से 98 मीटर। फिर इस तरह से हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट आपका एलिवेशन मिल जाएगा। तो इसका हाईएस्ट एलिवेशन आपका आ जा रहा है 103.6 और लोवेस्ट आ रहा है 98। तो उसका डिफरेंस निकाल कर हम लोग निकाल सकते हैं कि इफेक्टिव ग्रेडियंट कितना है। तो इस तरह से हम लोग इफेक्टिव ग्रेडियंट निकाल लेंगे, अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रनवे लेंथ तो कितना इंक्रीमेंट कर सकते हैं, इसकी बेसिक नॉलेज हम लोग को मिल गई है, ठीक है। तो अब जो है कि कुछ ज्योमेट्री पर हमको ध्यान देना चाहिए, रनवे का कितना विड्थ होना चाहिए, कितना स्लोप होना चाहिए, कितना कैम्बर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें रह गई हैं, ये मैं आगे के लेक्चर में डिस्कस करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।